नमस्कार, आप देख रहे हैं दशक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। फारबिसगंज में प्रशासन ने नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 87 बोरा नकली खाद के साथ हुई फैक्ट्री जब्त। फारबिसगंज प्रखंड के मटियारी पंचायत के धनपुरा गांव वार्ड नंबर 13 में नकली खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी गौरव प्रताप सिंह की अगुवाई में कृषि विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस गुप्त अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान 87 बोरा नकली खाद और खाद बनाने का उपक्रम जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए फारबिसगंज के धनपुरा गांव में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस अभियान का नेतृत्व जिला कृषि पदाधिकारी गौरव प्रताप सिंह ने किया, जबकि टीम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सुधांशु कुमार, कृषि समन्वयक अनुज कुमार निराला, नवीन कुमार राय और प्रदीप कुमार भी शामिल थे। इनके अलावा किसान सलाहकार कुंदन देव और मुकेश देव भी छापेमारी टीम का हिस्सा रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की भी मदद ली गई थी। इस अभियान में SI अमित कुमार, SI राजा बाबू और SI अवधेश कुमार सिंह ने विशेष भूमिका निभाई, जबकि टाइगर मोबाइल के जवान भी मौके पर तैनात थे। जिला कृषि पदाधिकारी गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में नकली खाद का निर्माण हो रहा है। छापेमारी के दौरान हमने नकली खाद से भरे 87 बोरे बरामद किए हैं। खाद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे बाजार से खाद खरीदते समय सतर्क रहें और केवल प्रमाणित खाद ही खरीदें। नकली खाद के उपयोग से फसलें नष्ट हो सकती हैं और उपज में कमी आ सकती है। प्रशासन की इस कार्रवाई से नकली खाद के व्यापारियों में हड़कंप भी मच गया है। छापेमारी के दौरान कुछ आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। सूचना मिला था कि कुछ इलीगल लोगों के द्वारा जो है फर्टिलाइजर मिक्सिंग करके पोटाश बनाया जा रहा है। अच्छा, उसी सूचना के आधार पर आपने छापेमारी की गई है। तो छापेमारी में यहाँ कुछ 87 बोरा जो है पोटाश बना हुआ, उसमें नमक का खाली बोरा है, रेड ऑक्साइड का पाउडर है। किस चीज़ का पाउडर? रेड ऑक्साइड का। रेड ऑक्साइड, हाँ, जो उसमें नमक में मिला के, जैसा माना जा रहा है कि उसी में मिला के ये लोग पोटाश बनाते हैं। और ये फ्लोर पर ट्रेसेस हैं मिक्सिंग के, और सिलाई का मशीन है, वेइंग स्केल है, और फर्टिलाइजर जो इंडोरमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका खाली नया बैग भी बरामद हुआ है यहाँ से। कितना बैग बरामद हुआ? बैग जब्ती सूची में 40 के आसपास है, उसको हम लोगों ने जब्ती सूची में ले लिया है। तो ये किसका है? अब ये पेपर दे रहे हैं, बता रहे हैं, कोई रेंट एग्रीमेंट अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम जानकारी अवेलेबल करा देते हैं कि लैंडलॉर्ड किसके नाम से है, कौन है, लैंडलॉर्ड क्या है, देखे नहीं है रेंट एग्रीमेंट, देख के आपको हम बता देते हैं। ये क्या मामला था? यहाँ पे रात, कल 2:30 बजे लगभग रात में जो है पुलिस दल बल के साथ में आई थी, और बगल में मेरा घर है, हम लोग सोए हुए थे, तो हम लोगों को जगाया गया। जगाने के बाद जो है क्या कहते हैं, हमसे पूछा गया किसका जगह है, तो हमने बताया कि मामा का है, हम लोग किराए में दिए हुए हैं, तो एग्रीमेंट करके किराए में दिए हुए हैं। तो उसके बाद जो है पुलिस दल बल के साथ में जो है इसका ताला तोड़ा, तो इसमें कुछ खाद का बोरा निकला, कितना है ये हमको नहीं पता, गिनती हम नहीं किए हैं, सर लोग किए हैं, सर लोग जाने। तो क्या कहते हैं, बस इतना ही हमको जानकारी है। और अभी आप लोग जो हमसे पूछ रहे हैं, जो फैक्ट बात है वो है, एग्रीमेंट किए हुए हैं जिसके नाम पे हम लोग दिए हैं किराया पे, उसका एग्रीमेंट का पेपर मेरे पास में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम चौधरी। कितना नंबर वार्ड हुआ ये? मटियारी पंचायत वार्ड नंबर 13। खाद बनाने वाले लोग हमेशा जो रवि सीजन आता है
को जगते हैं और विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, और इस बार थोड़ा सा जल्दी कार्रवाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ताकि जो है नकली खाद बनाने वाले के गिरोह जो है उसको हम लोग खत्म कर सके और किसान